एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज मिक्स सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। जो भी सब्जी आपके पास हो उसको सभी को आप डाल के इस तरह से सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ में मैंने बनाया है तवा रोटी। इस तरह से सब्जी बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। मैं एक शिमला मिर्च ली हूँ और दो आलू ली हूँ। आलू को छील के लंबे लंबे कट कर रही हूँ। आधा बैंगन ली हूँ और एक छोटा सा पत्ता गोभी बैंगन को कट कर ले रही हूँ। सभी सब्जियों को मैं पहले से धो ली हूँ। फिर एक छोटा सा पत्ता गोभी ली हूँ, इसको लंबे लंबे कट कर दे रही हूँ, बारीक नहीं कट रही हूँ, रफली कट कर ले रही हूँ। फिर दो टमाटर को कट कर ली हूँ। पत्ता गोभी और टमाटर को हम डाल देंगे कुकर में। ये पत्ता गोभी थोड़ा सा क्या है ना, आजकल पकता नहीं है तो इसको हम कुकर में डालेंगे। ये थोड़ा एकदम आजकल का पत्ता गोभी थोड़ा सा सही से पकता नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा नमक, पानी और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके एक सीटी से दो सीटी आने देंगे। गैस पे रख दे रही हूँ मैं पत्ता गोभी और आलू को, साथ में टमाटर भी डाल दी हूँ मैं, इसे अच्छा लगता है। फिर देखिए मैं एक लहसुन की गांठ ले ली हूँ, लहसुन को छील ले रही हूँ। लहसुन प्याज प्याज मैं पहले से छील ली हूँ, लहसुन छील ली हूँ। सभी लहसुन छीलने के बाद प्याज को और लहसुन को बारीक से कट कर लेंगे। देखिए मैं प्याज लहसुन बारीक कट कर ली हूँ। फिर साथ में एक से दो टमाटर को बारीक कट कर लेंगे। दो टमाटर कट कर ली हूँ। देखिए ये दो सीटी हो गया है। अब गैस को हम इसका बंद कर देते हैं और गैस सभी सब्जी कट कर ली हूँ और गैस कुकर को साइड में रख दी हूँ और कढ़ाई रख दी हूँ गैस में। इसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मच सरसों तेल, आधा चम्मच हींग, फिर डालेंगे राई, फिर डालेंगे जीरा, फिर अच्छे से चटकने देंगे, फिर डालेंगे लहसुन प्याज को। आप चाहे तो इसमें सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है वो सब्जी खाता है तो मिर्ची अभी ज़्यादा नहीं डालूँगी। फिर ये देखिए थोड़े से चटक गया है, प्याज अच्छे से भुन गया है, प्याज लहसुन भुन गया है, तो सब्जी को डाल के इसको भी अच्छे से दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए दो तीन मिनट हो गए, अच्छे से पक गए। अब डालेंगे मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे बहुत अच्छा कलर आता है। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा सा भून ली हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई टमाटर, टमाटर डाल ली हूँ और अच्छे से इसको कवर कर देंगे। कवर होकर दो से तीन मिनट पकने देंगे इसको अच्छे से। दो से तीन मिनट के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर और प्याज, टमाटर और सब्जी को। देखिए टमाटर और सब्जी अच्छे से गल गया है तो इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पत्ता गोभी आलू टमाटर को। इसको डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे, दो तीन मिनट इसी तरह चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह से पत्ता गोभी को ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। फिर इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक डालने के बाद। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब एक कपड़ा ले ली हूँ, जब बिछा ली हूँ, फिर एक बर्तन ले ली हूँ आटा गूंथने वाला परात, इसमें हम आटा ले लेंगे। फिर नमक ले ली हूँ, फिर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मेरे यहाँ 2 से 3 लोग हैं तो ज़्यादा रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, 2 से 3 लोग के लिए इतना रोटी काफ़ी होता है। फिर आटा को एकदम अच्छे से गूंथ ली हूँ मैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, अच्छे से चिकना कर ली हूँ, इसको साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं सब्जी को। देखिए सब्जी भी अच्छे से पक रही है। अब इसको चला लेते हैं। देखिए थोड़ी सी नीचे से लग रही है तो इसको अच्छे से निकालते हुए चला लेंगे। देखिए सब्जी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा मैं मेरे बेटा के लिए आलू और पत्ता गोभी निकाल लूँगी इसी तरह सब्जी से, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। फिर हम ये 2 से 3 हरी मिर्च काट रही हूँ, इसको बारीक से कट कर रही हूँ इस तरह से। इसको ऊपर से डाल देंगे, डालने के बाद 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अगर आपको इस तरह से मिर्ची ना डालना हो तो पहले ही डालें, क्योंकि मेरे यहाँ बाबू है, छोटा सा बच्चा है, वो सब्जी खाता है, 2-2.5 साल का है, तो उसको उसके लिए मिर्ची की सब्जी नहीं दे सकती। हर सब्जी खिलाती हूँ मैं, इसीलिए हर सब्जी में इसी तरह से मिर्ची ऊपर से ही डालती हूँ। गैस को बंद कर देते हैं और साइड में सब्जी को रख देते हैं। सब्जी बन गई है, पत्ता गोभी और मिक्स वेज बन गई है। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जी डाल सकते हैं। तवा रख दी हूँ, रोटी बेल रही हूँ इधर। देखिए रोटी बेल ली हूँ, तवा पे डाल दी हूँ दूसरा रोटी। सभी रोटी को इसी तरह से बेल के तैयार कर रही हूँ मैं फुले फुले। ये इस सब्जी के साथ ना रोटी ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसके साथ चावल दाल भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा रोटी ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है रोटी। इसमें फूला फूला रोटी और गरम गरम सब्जी के साथ मिल जाए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। इस तरह से आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपके पास थोड़ी थोड़ी सभी सब्जी रखी होगी तो आप इस तरह से एक सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए पत्ता गोभी, आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर की इस तरह से सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अगला रेसिपी ज़रूर बताइए कमेंट में।